हेलो दोस्तों, देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कई बार डेट्स लिखने में कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि हम डेट्स को किस फॉर्मेट में लिखें। जी मैं आज आपको बताऊंगा कि डेट आप कई तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिखना चाहें या अमेरिकन इंग्लिश में लिखना चाहें। लेकिन याद रखिए, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डेट लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि डेट लिखने का सही फॉर्मेट क्या होगा, कितने तरीके से हम डेट्स को लिख सकते हैं, चाहे वो लिखने की बात हो या स्पीकिंग की बात हो, यानी बोलेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर हाउ टू राइट डेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइटिंग, यानी जब भी हम राइटिंग में डेट लिखना चाहें, आप किसी लेटर में लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, कहीं भी लिखें, डेट लिखें तो किस तरह से लिखें। तो यहाँ है एक कॉमन वे टू राइट द डेट, यानी दिन की जो डेट आपको लिखनी है उसका लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो होता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं डे, उसके बाद आप लिखते हैं मंथ, एंड उसके बाद लिखते हैं आप ईयर। ये कॉमन फॉर्मेट है डेट्स लिखने का, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, उसके बाद आप लिखते हैं मंथ, एंड उसके बाद आप लिखते हैं ईयर, यानी कि ये आपका डेट लिखने का कॉमन फॉर्मेट होता है जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज, यानी और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं डेट्स लिखने के लिए, जैसे कि आप डिफरेंट तरीके से डेट्स को लिख सकते हैं। जैसे 13th मार्च 1983, यानी पहले आप डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, ये लिखने का तरीका है मार्च 13th 1983। ओके, आप पहले मंथ, फिर डे, एंड आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, उसके बाद है मार्च 13th। यह आपको कॉमा भी यूज कर सकते हैं, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मार्च 13th मार्च 18 3। तो ये तो हमारा जो लिखने का फॉर्मेट है ये है राइटिंग में। अब हम जानते हैं कि स्पीकिंग में हमारा डेट लिखने का या बोलने का क्या तरीका होगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे और उसे बोलेंगे। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो डेट लिखने का फॉर्मेट होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आता है डे, उसके बाद आपका आता है मंथ, और उसके बाद आती है आपकी ईयर। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि मंथ पहले आता है, उसके बाद आती है डेट, एंड उसके बाद आता है आपका ईयर। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ डेट लिखनी है, कहें 15th जनवरी 1986। तो ये जो फॉर्मेट है ये है आपका ब्रिटिश इंग्लिश में 15 जनवरी 1986। अब इसी को मैं अमेरिकन इंग्लिश में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, आप इस तरह से लिखेंगे जनवरी 15th 1986। इसका जो प्रोनंसिएशन हो रहा है कैसे बोले, जनवरी 15th, ये 15 जनवरी हो रहा, इसे बोलेंगे 15th जनवरी, ठीक है, 15th जनवरी 1986। तो ये हमारा तरीका हो रहा स्पीकिंग का, और डिफरेंस हो रहा ब्रिटिश और अमेरिकन का। तो याद रखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में आपको डेट मंथ ईयर, और अमेरिकन इंग्लिश में पहले मंथ डेट ईयर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज अच्छी क्लास में, आपको कमेंट करके बता दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।